दोस्तों दुर्गा पूजा आ रहा है और मैं आपके लिए वीडियो ना ले आऊं ऐसा हो ही नहीं सकता। दोस्तों आज हम कुछ इस टाइप का वीडियो बनाने वाले हैं, पहले वीडियो देख लो फिर मैं आपको बताता हूं कि इसे बनाना कैसे है। दोस्तों ये वाला वीडियो आप VN या काइनमास्टर या इनशॉट इन सारे ऐप से नहीं बना सकते, इसको बनाने के लिए आपको एक स्पेशल ऐप की जरूरत पड़ेगी। और दोस्तों ये वाला वीडियो बनाना बहुत ही इजी है, लेकिन इस वीडियो में बहुत सारे इंपॉर्टेंट स्टेप्स है, अगर आप उसे मिस कर जाते हो तो आप ये वीडियो नहीं बना पाओगे। तो वीडियो को ध्यान से देखना, कोई भी स्टेप मिस नहीं होना चाहिए, तो आप ये शॉर्ट वीडियो आराम से बना लोगे। तो चलिए चलते हैं एडिटिंग की ओर, लेकिन उससे पहले ध्यान दो अपने भाई की ओर। दोस्तों मेरा नाम है सोहेल, आप देख रहे हो स्मार्ट यूट्यूब चैनल। चैनल पे नए हो तो भाई सब्सक्राइब कर लो, यहाँ पे आपको हर टाइप का एडिट मिलता है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों ये वाला वीडियो बनाने के लिए हमें जरूरत पड़ेगी कैपकट एप्लीकेशन की, जो कि आपको प्ले स्टोर में बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, लेकिन कैपकट की बेस्ट वर्जन का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, व्हिच इज ऑन माय टेलीग्राम चैनल, तो आप वहां से डाउनलोड कर लेना। लेकिन अब जबकि ये ऐप इंडिया में अवेलेबल नहीं है, तो इसको चलाने के लिए आपको VPN का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम कोई सा भी एक VPN को कनेक्ट कर लेते हैं। तो VPN को कनेक्ट करने के बाद हम चलेंगे अपने कैपकट एप्लीकेशन में। तो कैपकट को खोलने के बाद आपको इस प्लस वाला ऑप्शन में जाना है और यहाँ से आपको फोटोज पे जाना है और दुर्गा माँ की 22 फोटोज यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ से दुर्गा माँ की 22 फोटोज को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो फोटोज को सिलेक्ट करने के बाद आपको इस ऐड पे क्लिक करना है, फिर आपकी एडिट शुरू। अब सबसे पहले आपको इसका रेशियो चेंज करना है। रेशियो चेंज करने के लिए आपको नीचे की तरफ एक फॉर्मेट वाला ऑप्शन मिल जाएगा, वहां पे जाके आपको इसे 16:9 रेशियो में कर देना है। अब आप सोचोगे कि ये तो यूट्यूब का रेशियो, ये तो रील्स वाला रेशियो नहीं है, स्टेटस वाला रेशियो नहीं है, तो होल्ड ऑन, उसका भी जवाब आपको मिलने वाला है थोड़ी देर बाद ही। अब हम इसमें ऑडियो ऐड करेंगे, तो उसके लिए हम जाएंगे ऐड ऑडियो पे, फिर जाएंगे साउंड्स पे और यहाँ पे आपको एक्सट्रैक्ट ऑडियो फ्रॉम वीडियो वाला ऑप्शन मिल जाएगा, वहाँ पे जाना है और मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो का लिंक दे रखा है, वो वाला वीडियो आपको डाउनलोड कर लेना है और उसे आपको सिलेक्ट करके ऐड कर देना है। तो उसका ऑडियो यहाँ पे आ जाएगा, फिर ये जो प्लस वाला ऑप्शन है वहाँ पे क्लिक करके आप अपनी ऑडियो को अपनी वीडियो में ला सकते हो। तो यहाँ पे अपना ऑडियो आ चुका है, आप देख सकते हो। अब हमें ऑडियो के ऊपर एक काम करना होगा, हमें ऑडियो पे बीट ऐड करना होगा ताकि हम अपनी फोटोज को वीडियो के साथ मैच कर सके। तो हमें ऑडियो पे टैप करना होगा और नीचे आपको मैच आउट वाला एक ऑप्शन मिल जाएगा, वहाँ पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक लाइन जा रहा है और कुछ कुछ जगह पे ये मोटा हो रहा है, तो जो मोटा मोटा पार्ट है वही हमारा बीट है। तो वो वाला पार्ट पे हम जाएंगे और यहाँ से हम ऐड बीट कर देंगे। ओके, तो ऐड बीट करते ही आप यहाँ पे देखोगे कि एक पॉइंट ऐड हो चुका है। ऐसे ही हम एक के बाद एक बीट्स के ऊपर हम एक बीट का पॉइंट ऐड करेंगे। ओके, तो नेक्स्ट बीट में जाएंगे, इस वाले बीट में, और फिर से हम ऐड बीट वाला ऑप्शन से क्लिक करके पॉइंट ऐड कर देंगे, फिर से एक पॉइंट ऐड करेंगे, फिर दूसरी तीसरी चौथी सारे बीट्स के नीचे हम एक एक करके पॉइंट्स ऐड कर देंगे। तो बीट्स को ऐड करने के बाद हम इस टिक पे क्लिक करके बाहर आ जाएंगे। तो अब हम अपनी फोटोज को ऑडियो के अकॉर्डिंग मैच कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम अपने फर्स्ट वाले बीट में जाएंगे, ये वाला, और फिर हम अपनी फोटो को यहाँ से कट कर देंगे। तो उसके लिए हम अपनी फोटो पे टैप करेंगे और फिर आपको यहाँ पे स्प्लिट वाला ऑप्शन दिख रहा होगा, वहां पे क्लिक करेंगे और बाकी का हिस्सा जो है वो हम डिलीट कर देंगे। दूसरे बीट पे भी सेम चीज करेंगे, दूसरे बीट पे जाएंगे, फोटो पे टैप करेंगे, स्प्लिट करेंगे और बाकी का हिस्सा डिलीट कर देंगे। तीसरी फोटो में भी सेम चीज करेंगे, स्प्लिट करेंगे और बाकी का हिस्सा डिलीट कर देंगे। ऐसे ही करते हुए हम अपने सारे फोटोज को बीट्स के अकॉर्डिंग कट कर लेंगे। तो बीट्स के अकॉर्डिंग हमारे सारी फोटोज कट हो चुके हैं, आप देख सकते हो। तो ये सब करने के बाद आपको लास्ट में एक ब्लैक वाला हिस्सा दिख रहा होगा, इसको आपको सिलेक्ट करके डिलीट कर देना है, इसका कोई काम नहीं है। ओके, अब आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको अपनी फोटोज़ को पकड़ना है, ऐसे फोटोज़ पे क्लिक करना है और उसे अपने दोनों फिंगर से पकड़ के इसे 90 डिग्री रोटेट कर देना है, जैसे मैं कर रहा हूँ, बिल्कुल इस तरीके से, और फिर आपको इसे जूम करके पूरा स्क्रीन में फिल कर देना है। इसे भी सेम तरीके से करेंगे,
जूम करेंगे, बस थर्ड पिक को भी सेम चीज़ करेंगे, इसे सिलेक्ट करेंगे, अपनी दोनों फिंगर से घुमाएंगे 90 डिग्री और इसे रोटेट करके जूम कर देंगे। हम सारे पिक्स में हम सेम मेथड अप्लाई करेंगे। ओके, दोस्तों यहाँ पे आपने सारे फोटोज को रोटेट कर दिया है। अब नेक्स्ट काम आपका क्या है, अब आपको यहाँ पे अपना एक फोटोज को सिलेक्ट कर लेना है और नीचे आपको एनिमेशन वाला ऑप्शन दिख रहा होगा, वहाँ पे क्लिक करना है और अब हम डालेंगे अपनी फोटो में एनिमेशन। जो ऊपर ऊपर वाला पार्ट है यहाँ पे ही हम करेंगे। तो यहाँ पे आपको कॉम्बो पे जाना है और फिर आपको यहाँ पे पेंडुलम 2 ढूंढना है। ओके, तो यहाँ से ढूंढ लेते हैं पेंडुलम 2। ओके, तो ये रहा हमारा पेंडुलम 2। ये वाला इफेक्ट आपको सारे फोटोज में भर देना है। ओके, तो पहले फोटो में हमने पेंडुलम 2 अप्लाई कर दिया, अब हम नेक्स्ट फोटो में चलेंगे। नेक्स्ट फोटो में भी हम पेंडुलम 2 अप्लाई करेंगे। और हाँ दोस्तों, अब जब भी एक फोटो से दूसरे फोटो में जाओ तो आप इस इफेक्ट को ऐसे पकड़ लेना, ये नहीं तो ये गुम हो जाएगा। ओके, तो हम सारी फोटोज में ऐसे ही करते हुए पेंडुलम 2 इफेक्ट को डाल देंगे। ओके, तो हमने अपनी सारी फोटोज में पेंडुलम 2 इफेक्ट को डाल दिया है। अब हमारा काम फिनिश हो चुका है, अब हम इस फोटो को सेव कर लेंगे, इस वीडियो को सेव कर लेंगे। तो सेव करने के लिए आपको इस एरो पे क्लिक करना है और यहाँ पे इसको 60fps करके सेव कर लेना है। अब आप सोचोगे कि ये तो टेढ़ा होके सेव हुआ, ये तो सीधा हुआ ही नहीं। तो दोस्तों मैं आप लोगों के लिए बता दूँ, काम अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है, क्लाइमैक्स अभी भी बाकी है। तो वीडियो सेव होने के बाद आपको फिर से चले जाना है न्यू प्रोजेक्ट में और यहाँ पे आपको वीडियो पे जाना है और यहाँ पे आपकी गैलरी खुल जाएगा और यहाँ पे आपको सबसे पहले दिख जाएगा आपने जिस वीडियो को एडिट किया है वो वाला वीडियो। तो वो वाला वीडियो को आपको सिलेक्ट करके ऐड कर लेना है। तो अब हम अपने वीडियो को रील्स वाला फॉर्मेट देंगे, तो उसके लिए हम नीचे फॉर्मेट पे जाएंगे और यहाँ से हम 9:16 रेशियो को सिलेक्ट कर लेंगे। अब हम बैक आ जाएंगे और फिर हम अपनी वीडियो पे टैप करेंगे और उसे दोनों फिंगर से पकड़ के फिर से सीधा कर देंगे। तो ये हमारे रील्स वाले फॉर्मेट पे या फिर स्टेटस आप कुछ भी कह लो वो वाला फॉर्मेट पे आ जाएगा। मैं आपको प्ले करके दिखा देता हूँ। दोस्तों अब हमारा वीडियो जो है वो पूरा का पूरा बन के रेडी हो चुका है। अब हम इसकी एंडिंग में जो एक्स्ट्रा ब्लैक वाला पार्ट है उसे हम सिलेक्ट करके डिलीट कर देंगे। ये जो लास्ट एंडिंग वाला पार्ट लिखा हुआ है वो वाला पार्ट को हम डिलीट कर देंगे और हम वीडियो को सेव कर लेंगे। तो एरो पे क्लिक करके इसको फिर से 60fps करके हम एक्सपोर्ट कर लेंगे। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा देना और मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं करते तो जल्दी से जाओ, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। और कुछ भी पोस्ट करते वक्त मुझे टैग करना मत भूलना, क्योंकि मुझे कोई भी पोस्ट अच्छा लगता है मैं उसे शाउट आउट देता हूं। और बाकी ऊपर वाला वीडियो सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग रील के ऊपर और नीचे ट्रेंडिंग रील्स का पूरा प्लेलिस्ट है, तो देखो और एंजॉय करो।